तो दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मैं हमारी मौली पीच को देखने आया और ये पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो चुकी है यार। हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है। तो यार अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जगह पे फिर से इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है। और ये अभी देखो यार, इसके जितने भी वाइट स्पॉट थे सारे के सारे निकल चुके और ये अभी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि भाई खुद खाना भी खा रही है अभी, अच्छी भी मतलब अच्छी हो गई यार पूरी तरीके से। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते बट 95% बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं ऐसे इसको पकड़ता हूँ अभी, ऊपर छोड़ देता हूँ। चलो भाई जा 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 जा, ये हो गई हमारी मौली फिश। 1-2 अभी मिल रही यार उसके दोस्तों को, 1, 2, 3 और 4 बाकी तो छुप गई यार मुझे देखकर। बट अभी खाना डालूंगा ना, तो ये देखो यार, ये थोड़ी बहुत फ्रेंडली यार क्योंकि मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया ना, तो मैं इसको खाना देता था हर रोज, तो ये मेरे साथ ही फ्रेंडली यार, इतनी ज़्यादा नहीं डर रही है। तो चलो यार हमारे प्लेको फिशेज को मैं फूड दे देता हूँ। यार इन्होंने देखो यार पानी एक ही रात में कितना गंदा कर दिया, मतलब पूरा ब्लर कर दिया इन्होंने पानी। चलो कोई नहीं यार, इनको भी फूड दे देता हूँ, इतना काफ़ी हो गया इनके लिए, और दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे है हमारे बेबी डम्बो यार, इनको भी मैं दे देता हूँ। चलो खा लो खा लो खा लो। ओके, इन सारे फिशेस को अभी फूड दे दिया। तो हमने कल हमारा पॉन्ड क्लीन किया था, तो आज देख सकते हो पूरा का पूरा सूख चुका है। तो आज इसका हमें काम नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ पेट शॉप। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और दोस्तों आज हमारे सारे बॉक्सेस आ चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है। मतलब कलर वगैरह इनका सब डन है, अभी हमने चेक भी कर लिया, ये बिल्कुल भी अभी लीक नहीं होंगे। ठीक है, अंकल बोले कि भाई ये अभी आपको फिशेस यहाँ पे आप रख सकते हो, एकदम मजबूत है भाई, कोई इनको दिक्कत नहीं, देख सकते हो भाई अभी अंदर से भी इनको अच्छा सा कलर हो चुका है, ब्लू स्काई ब्लू कलर है। तो इसमें पानी भरेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं इसी की वजह से दोस्तों आज जा रहा हूँ पेट शॉप, हम पेट शॉप जाकर कुछ प्लांट्स वगैरह इनके लिए लेके आने वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस हैं हमें, 8 बॉक्सेस में हमें 8 कलर के अलग अलग हमें प्लांट्स लाने होंगे। तो यार दोस्तों जब से यहाँ से लिली गई है ना यार, बहुत ही खाली खाली लग रहा है। ठीक है ना, तो चलो यार मैं अभी जल्दी जल्दी फ्रेश होता हूँ, हम निकलते हैं पेट शॉप के लिए। और हमें प्लांट नर्सरी में भी जाना है क्योंकि हमें पेट शॉप में जो प्लांट्स नहीं मिलते तो हम प्लांट नर्सरी से प्लांट लेने वाले, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई भी कह रहे थे कि भाई आप आपके सेटअप में जो वाटर कैबेज होती है ना वो भी ऐड करो यार, सारे पॉन्ड में हम वाटर कैबेज ऐड करो, तो हमें वाटर कैबेज भी लानी यार। ठीक है ना, तो चलो यार मैं जल्दी जल्दी रेडी होता हूँ और जल्दी जल्दी हम निकलते हैं। तो चलो दोस्तों अभी हम निकलते हैं और आपको अभी मिलता हूँ मैं नर्सरी में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नर्सरी में और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो यार सारे के सारे यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिश रखी हुई है। यार पहले ना अपने ना विशाल, अपन क्या करते हैं पहले फिश देख लेते हैं फिर प्लांट वगैरह देखेंगे यार। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से भाई ये देखो, ये रेयर वाली शॉर्ट टेल ब्लैक कलर में, और उसके पीछे ये शायद से ना कैलिको शॉर्ट टेल है, ये वाली मिक्स कलर में, ये देखो ये ब्लैक कितनी खूबसूरत है, वाव। और यहाँ पे कुछ गोल्डन गप्पीज हैं, वाह ये भी गोल्डन गप्पीज हैं, और इसके साइड में कुछ नहीं है। और यहाँ पे है प्लैटीज मिक्स प्लैटीज है सारे के सारे। और इधर है ये कौन से फिश है, क्या नाम है, सिकलेट 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 के बेबीज है, चिलचिड़ सिकलेट, मैं चिलचिड़ बोलता हूँ उनको। और यहाँ पे कुछ प्लांटेड टैंक्स वगैरह है, प्लांट्स हम बाद में कवर करेंगे यार क्योंकि हमें लेके जाने हैं प्लांट्स वगैरह। और यहाँ पे ना सारे के सारे ना फिश टैंक है, और यहाँ पे है कुछ पॉन्ड जो कि नेचुरल है भाई पूरे के पूरे। तो यहाँ पे गोल्ड फिश है और यहाँ पे तो कुछ प्लांटेड है, पहले पॉन्ड कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे है गप्पीज छोटी साइज की, कितनी सारी गप्पीज, और इसमें टैडपोल्स भी यार छोटे छोटे, पता नहीं टैडपोल्स क्यों छोड़े गए बट टैडपोल्स भी। और यहाँ पे ना अलग अलग वैरायटी के सारे प्लांट्स रखे गए हैं, सेम यहाँ पे कुछ नहीं है, कोईज है कुछ, शुभम किन गोल्ड फिश है ये वाली, ये देखो। अभी दिख रही होंगी, और यहाँ पे भी गोल्ड फिश है, इधर भी ओरेंडा नहीं, ये रेड कैप गोल्ड फिश है, वाव की क्वालिटी ज़बरदस्त है, फुल एक्टिव है यार सारी की सारी। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ होगा यार नीचे पता नहीं, हाँ बट हाँ वो गप्पीज़ यहाँ पे। और ये पूरी लेन खाली है, अभी अपन टैंक कवर करते हैं। और यहाँ पे एक और टैंक प्लांटेड टैंक है। तो यार हम है ना उधर से शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ना इधर इतने फिशेस नहीं है ओ भाई। तो ये सबसे पहला टैंक है,
तो ये है प्लांटरी टैंक और यहाँ पे एक ऑस्कर फिश। देखो यार प्लांट कितना भाई, क्या क्वालिटी है भाई प्लांट्स की, मतलब टैंक ही देखो यार, फुल्ली फुल्ली ज़बरदस्त है। और यहाँ पे कुछ फ्लावरम लग रहे हैं यार मुझे, और ये कौन सी है, ये सेवरम लग रही है मुझे, इसका कलर देखो यार। और यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे शक्ल फिश है, नहीं नहीं ऑस्कर है यार भाई, ऑस्कर से यहाँ पे ब्लैक कलर में। और यहाँ पे एंजल फिश, ये देखो भाई एंजल फिश। और यहाँ पे है प्लांटर टैंक, उसमें कुछ बार फिश है, पता नहीं कौन सी है, बट मुझे पता है टाइगर बार पे, टाइगर बार पे साइज देख सकते हो बड़ी साइज में। और ये ऑरेंज कलर का शक्कर बैठा है यहाँ पे। और ये वाला एक टैंक है, यहाँ पे भी कुछ शक्कर फिश है और कुछ छोटी छोटी वैरायटी की फिश है। और यहाँ के जो प्लांटर टैंक है ना यार, एक से बढ़कर एक यार, पूरी तरीके से इनको मेंटेन किया गया है, क्योंकि ना ऊपर से सनलाइट भी आ रही है और अंदर से ना लाइट वगैरह भी दी गई है, देखो यार। तो इसी की वजह से ये प्लांट इतने ज़्यादा मेंटेन है ना भाई, इनकी ग्रोथ देखो यार, इनका कलर वगैरह देख सकते हो फुल्ली ज़बरदस्त है यार। और ये वाला भी देख सकते हो, एक से बढ़कर एक टैंक है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ना प्लैटी फिश है, प्लैटी फिश में कुछ पता नहीं कौन सी है, ये देखो रेड कलर का श्रीम। मुझे बहुत सारे भाई भी कह रहे थे यार आप श्रीम वगैरह ऐड करो आपके सेटअप में, तो वो भी ऐड करेंगे। और ये देखो भाई क्यूट फिश है। और यहाँ पे भी एक वाव खूबसूरत टैंक है। और यहाँ पे बहुत सारे टैडपोल्स है, टैडपोल्स में गप्पी फिश है, गप्पी फिश में कुछ प्लैटी भी है, मतलब ये पूरा कम्युनिटी टैंक सेटअप है यार। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के देख रखे, देखो बलून प्लैटी अलग ही वैरायटी में है। और ये देखो श्रिंप वगैरह भाई साहब, गप्पी भी यहाँ पे, हाँ यार। और यहाँ पे है कुछ रेनबो फिश, नहीं सॉरी सॉरी ये टेट्राज है, क्यूट टेट्राज है। नीचे कुछ नहीं है, नीचे सारे टैंक नहीं है, है नीचे भी है भाई, लाइट नहीं है इसलिए दिख नहीं रही, ये टिन फॉइल है। एक मिनट ऊपर के पहले कवर कर दी, फिर नीचे से आएंगे अपन। और यहाँ पे कुछ प्लेको फिश है, प्लेकोज। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे श्रिम्प है, हाँ हाँ हाँ, कितने सारे श्रिम्प है भाई साहब, श्रिम्प भी है। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी श्रिम्प है, श्रिम्प है। और प्लैटी है, ब्लैक कलर में प्लैटी फिश है, छोटे बेबीज प्लैटी से। और यहाँ पे भी श्रिम्प है, रेड एकदम रेड मिक्स कलर में श्रिम्प है। और यहाँ पे भी श्रिम्प है भाई, ये देखो अलग अलग वैरायटी के सारे श्रिम्प है भाई, मतलब यहाँ पे। और ये पूरा खाली है, थोड़े बहुत श्रिम्प है अलग अलग वैरायटी के, ये देखो रेड कलर में। अभी ना नीचे से लेते हैं भाई, तो अभी जो नीचे वाले टैंक है ना वो कवर करते हैं। और यहाँ पे कुछ सिकलेट्स है मीडियम साइज की, बनाना सिकलेट से, बाकी ब्लू कलर में पता नहीं कौन सी है। और यहाँ पे भी बड़ी साइज़ की सिकलेट्स है जो कि ब्लू कलर में। और यहाँ पे है पोलर पैरेट्स, नहीं पोलर नहीं यार, ये वाओ पोलर नहीं यार, ये अलग अलग वैरायटी के, पता नहीं यार कौन सी। और यहाँ पे टिन फॉइल, ब्लैक कलर के टिन फॉइल। ओ भाई ऑस्कर कितना बड़ा है भाई, वाओ ये बड़े साइज का ऑस्कर फिश, इसका कलर देखो यार। और ये प्लांटेड टैंक में होने की वजह से यार कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर वगैरह एक नंबर। यहाँ पे कुछ प्लेकोज है बड़े साइज की, यहाँ पे भी प्लेकोज है और गुरामीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑस्कर से ब्लैक। यहाँ पे हमारे सारे टैंक और पॉन्ड कवर हमने कर लिए। और ये देखो भाई एक और एक बड़ा साइज का एक टैंक बनाया है, अभी इसका काम चल रहा है और बहुत सारे टैंकों का भी काम चल रहा है। और ना यार मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, बहुत ही खूबसूरत है यार ये चीज़, मतलब बाउल में प्लांटेड सेटअप किया गया है भाई यहाँ पे, तो ये देख सकते हो यार खूबसूरत सेटअप है, वाओ। तो ये भी देख सकते हो यार, मतलब अलग अलग वैरायटी के अलग अलग सेटअप किए गए हैं भाई प्लांटेड। और इसमें श्रिम्प वगैरह कुछ गप्पीज है छोड़ी हुई, इतना खूबसूरत लग रहा है ना भाई। और बाउल की साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है ना, कैमरे में छोटी दिख रही है। और ये भी देख सकते हो कितना बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पे ना फाइटर फिश के जो फीमेल्स है ना उनका टैंक किया गया है, अरे भाई ये देखो कितना खूबसूरत है यार ये, वाह। तो ये देखो भाई ये फाइटर फिश की फीमेल्स है, फीमेल बेटा फिश।
और इधर साइड में तो अभी प्लांटेड टैंक चल रहा है और गप्पी फिश की फीमेल है। और यहाँ पे भी एक बाउल सेटअप है, कितना खूबसूरत है यार ये। ये भी प्लांटेड सेटअप है एक, और अभी बाउल सेटअप चल ही रहे हैं। एक फीट में छोटा सा प्लांटेड सेटअप किया गया है और कुछ गप्पीज है और कुछ श्रिम्प वगैरह है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ना दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो पसंद आता है हम वो ले लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। चलो यार, हमें प्लांट्स वगैरह लेने, सबसे पहले यहाँ गप्पी ग्रास। याला पण असं मातीत लावावं लागेल ना? नाही, फ्लोटिंग व्हरायटी नीट टाकून द्यायची का? हो, ओके, लक्षात राहू द्यावं लागेल ना, गप्पी ग्रास फ्लोटिंग आहे, पूर्ण सनलाईट मध्ये राहील ना? हो, रेड कलरचे होऊन जातील मस्त। ओके, असं मधून मधून क्लीनिंग करून घ्यायचं, जे अल्गे ग्रो होतं ना। आजू आजू चांगला असेल दोन्ही चांगले, तू जी सांग। हा हाच देऊन दे, हा देऊ ना, हा काढला जाईल। मी याच्यात नको टाकू दादा, याला सेपरेट दे, त्याला आहे ना रूट्स नाही आले, ह्याला कसं रूट दिसत आहे त्याला आहे ना, मी परवाच लावलं। तो दोस्तों, ये होती है यार वाटर कैबेज, हमें यार बहुत दिनों से चाहिए थी और बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई ये आपके सेटअप में आप ऐड करो। तो चलो यार, फाइनली हमें ये मिल गई है, अभी ले लेता हूँ मैं बहुत सारी वाटर कैबेज भी। यहाँ पे यार क्यूट गप्पीज भी यार, ये देख सकते हो कितने सारे गप्पीज है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों हमें जो शॉपिंग वगैरह करनी थी हमने कर ली, और जो प्लांटेशन वगैरह और टैंक के लिए हमें जो सामान लगना था सारा का सारा ले लिया। और ये है ओनर, तो पपाया नर्सरी में पीछे वाले साइड में ये एक्वेरियम है। और आपका नाम भैया दीपक दास, ओके, और इस शॉप का नाम मतलब दास एक्वेरिस्ट, ओके, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, और बहुत अच्छा यार, तो भाई ने यार बहुत ही अच्छे से गाइड किया, प्रॉपर हमें प्लांटेशन टैंक का नॉलेज दिया, जो कि अभी आपको मैं घर जाके सारा का सारा समझाऊंगा। तो चलो मिलते हैं भाई घर पे, आज का वीडियो मैं यही पेंट करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ के प्लांट्स वगैरह देख सकते हैं, कितना खूबसूरत चारों ओर देखो भाई, प्लांट्स मेरे पीछे हमारे विशाल भाई।